हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपरेशन फॉर टेक्निक एग्जामिनेशन। अभी लॉकडाउन के कारण पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। अभी आप पे जो बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको ये बातें बताऊँगा, अगर ये बात को अगर आप मानते हैं तो मैं बिल्कुल बताता हूँ कि अगर आपके पास एक महीने के अंदर में कुछ तैयारी पहले का है, कुछ पढ़े हैं, 9th-10th के में अध्ययन आपका ठीक रहा है तो आप पॉलिटेक्निक निकाल लेंगे। तो यू आर कंसंट्रेट माई वीडियो, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हाउ टू प्रिपरेशन पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन, पॉलिटेक्निक की हम तैयारी कैसे करें। मेरे पास 3 सालों का अनुभव है, बच्चे हमारे पास से पॉलिटेक्निक निकाले हैं और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे स्ट्रीम में उनका एडमिशन हुआ है। तो क्या क्या आप अभी जो अभी इस तरह का जो लॉकडाउन है, तो अभी अगस्त है, ठीक है, हमारे पास अभी अगस्त का आधा महीना है, आए आधा इसमें मान लिया जाए कि अगर 31 का महीना लगता है तो इधर इधर है। अगर सितंबर या अक्टूबर में आपका डेट शीट आता है कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा, तो आप इस इन दिनों में, इतना कम दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे, इसका स्ट्रेटजी आपका क्या होगा, किस प्रकार से आप स्टडी करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक में क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बन रहा होगा कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, या फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या क्या पढ़ के हम जाएंगे कि वहाँ हम बनाएंगे जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको तैयारी करने के लिए जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, वो पहले सबसे पहले हमारा है कि आप सिलेबस को हम पकड़ें, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रेटजी है स्टूडेंट, सबसे पहला स्ट्रेटजी है हमारे पास कि सिलेबस क्या हुआ, सिलेबस को जानना है, ठीक है, सिलेबस को जानना है कि सिलेबस पढ़ना है। तो पॉलिटेक्निक का मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ आपको। वहाँ पर PCM आता है, आप कहेंगे ये PCM क्या होता है, तो मुझे आई थिंक पता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो आपका आपको 30 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स से पूछता है, 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछता है और 30 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास आएगा होगा स्टूडेंट, वो 90 होगा, 90 क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल समझिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 90 है और टोटल मार्क्स जो आपके पास होगा, मार्क्स, ठीक है, वो होगा 450 का। तो आपको मन में संदेह होगा कि 450 में मैं कितना नंबर लेकर आऊँगा कि मेरा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आप में से सबसे पहले आपको ये सिलेबस जानना है कि सिलेबस क्या है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो हमारा सिलेबस पे होगा कि मैथ फिजिक्स में कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, नाइन्थ में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना पढ़ना है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं तो पॉलिटेक्निक के लिए आपको 9th-10th का सिलेबस एक स्टैंडर्ड लेवल का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पॉलिटेक्निक जो होता है वो 10th-based होता है, 10th पर भी होता है, 10th-based हमारा एग्ज़ाम है, ये 10th-based होता है, ठीक है। अगर आपका अच्छे से 10th पर बेस्ड होता है, अगर 10th के सिलेबस अच्छे से आप पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत 11th-12th का भी आपका अध्ययन है या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैं तो 10th का एग्ज़ाम इस साल दिया हूँ, 11th-12th हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सिलेबस, अगर आप 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे आपके पास सिलेबस आ जाएगा लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, गति का नियम है, चाहे न्यूटन्स का गति का नियम, 3 गति के नियम है, लीनियर मोशन है ना, वर्क पावर एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मैच कर ही जाता है। और 10th का सिलेबस में ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स बैकग्राउंड हमारा 12th में भी मैच कर जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिलेबस मैथ का इशू आता है तो मैथ में लॉगरिथम वगैरह पढ़ लेंगे और बाकी 12th से डिफ्रेंशिएशन वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये ज़्यादा 10th और 9th ही बेस्ड होता है, क्योंकि इसका पैटर्न ही बनाया गया है पॉलिटेक्निक का विद्यार्थी, जो 10th क्लास में बच्चे पास हो चुके हैं वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो मैं बनाया था, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक महीने में हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा कि हमारा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ उसी बिंदु पर
कि आप कैसे तैयारी करेंगे। तो आपको पता हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 90 होने वाले हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 450 नंबर का टोटल होगा, और सिलेबस आपका जो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, 9th-10th से होगा, थोड़ा हमको स्टैंडर्ड लेवल का अध्ययन करना है, ठीक है। अब हम 30 दिन में इसका हम कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आप अपने पास एक बना लेंगे, ठीक है, आप एक चार्ट बना लेंगे 30 दिन का, कि आज से मैंने स्टार्ट किया है, मेरा आज स्टार्ट है अगर 16 अगस्त से, ठीक है, अगर 16 अगस्त से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अगर हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है या सितंबर में होता है, तो मैं 16 सितंबर का एक हम टाइम टेबल बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, इसमें क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आ जाएगा, तो इतने कम समयों में 30 दिन का, इसके बीच में हमारे पास 30 दिन का स्टेट ट्रेजरी है। तो सबसे पहले आपको एक स्टडी का बनाना पड़ेगा कि हमको स्टडी कितना करना है, ठीक है। तो स्टडी के लिए मिनिमम कम से कम आपको, ठीक है, 9 से 10 घंटा का रूटीन बनाना होगा, 9 से 10 आवर्स हमको पढ़ना है, 9 to 10 आवर्स पढ़ना है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन हमको इतना घंटा पढ़ना है विद्यार्थी। इसमें कैसे पढ़ना है ये देखिएगा, तो इसमें हमको पहले आप बना लेंगे, ठीक है, कि हम दो घंटा फिजिक्स पढ़ते हैं, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूँ 9th-10th में आपको पढ़ा हुआ है, तो 2-2 घंटा हमने डेली का ये बनाया, तो हमारा टोटल हो गया 6 घंटा, तो 6 घंटा ये हमारा आ गया विद्यार्थी। 6 घंटा के बाद आपको प्रत्येक दिन, ठीक है, डेली आपको डेली एक सेट बनाना है, एक सेट डेली मारना है या बनाना है, ठीक है, एक सेट डेली बनाना है। सेट बनाने में आप पीछे नहीं हटेंगे, 30 दिन है तो हम 30 सेट बना लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ तो हमारा पॉलिटेक्निक का टाइम कितना देता है, आपको पता है कि पॉलिटेक्निक में हमारा एक टाइमिंग होता है 2 घंटा 15 मिनट का, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट हमारा टाइमिंग होता है, तो हम ये सेट भी मारेंगे तो 2 घंटा 15 मिनट में ही मारेंगे और देखेंगे कि 90 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो 6 घंटा का 2-2 घंटा इधर हमने स्टडी किया, इसके लिए हमने रीडिंग दिया, ठीक है, इसके लिए हम बुक पढ़ेंगे, 2 घंटा क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे या फिर कोई थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बुक पढ़ेंगे या थ्योरी, हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टीचर्स का पढ़ाया हुआ है 9th-10th में उसको रिविजन करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, 2-2 घंटा हमको यही करना है, ठीक है। अब हमको डेली एक सेट बनाना है, डेली एक सेट बनाना है तो हमारा यहाँ से समय 8 घंटा लगभग हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ समय बचता है तो आपको कम से कम प्रत्येक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना है स्टूडेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना है विद्यार्थी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से ये पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारा पॉलिटेक्निक में आता है। पहले हमको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आपसे अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर अगले बार किससे कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड क्या है पॉलिटेक्निक का, कौन सा क्वेश्चन पूछता है ये। तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कम से कम 10 साल का 10 ईयर का क्वेश्चन आप देख ले पूरा, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को बना ले 10 साल का क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टिप्स आपको पढ़ने का, एक महीने में 30 दिन का स्टेट ट्रेजरी क्या होना चाहिए कि आप पॉलिटेक्निक एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो मैंने पहला बताया कि आपको 9 से 10 घंटा स्टडी करना है डेली, ठीक है, डेली, और डेली एक सेट बनाना है, इसमें फिजिक्स पढ़ना है 2 घंटा, केमिस्ट्री 2 घंटा, मैथ 2 घंटा, इस सबको 6 घंटा पढ़ लिए। इसके बाद हम एक सेट बनाएंगे डेली स्टूडेंट, ठीक है, एक सेट हमको डेली बनाना है, ये हमारा 2 घंटा 15 मिनट में हम इसको हैंडल करेंगे। जब हम सेट मारने के लिए बैठेंगे तो हम ना पानी पीने के लिए जाएंगे ना हम टॉयलेट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जब जाएंगे तो आपको पूरा डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ सवाल करना है, कि सवाल बनाते समय हमको इस प्रकार का किसी चीज़ के असुविधा नहीं खेल हो, हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स हो और हम अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब हमारे पास मैथ का हम थोड़ा सा और बता रहे हैं, मैथ जो हमारे पास है तो मैथ जो हमने 2 घंटा डेली दिया है पढ़ने के लिए, 2 घंटा में आप मैथ के जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, जितना भी फार्मूला है
सारे फार्मूला को एक जगह पर एकत्रित कर ले और इस फार्मूले पे बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ ले और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को बना ले। अच्छा, तो इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाती है। और अगर आप इस टिप्स को अपनाते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 30 दिन में भी आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 450 नंबर का 90 क्वेश्चन पूछता है। 90 क्वेश्चन में से अगर आप 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए, ठीक है, 60 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया, 300 नंबर भी आपका आ जाता है स्टूडेंट, तो अगर आप तो गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। जो बच्चे OBC हैं या SC हैं, ST हैं, ठीक है, EBC हैं, या फिर जो लड़कियां हैं EBC में, उनको कुछ छूट भी मिल जाता है। तो गवर्नमेंट, तो आपको यही दिमाग लगाना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्क्स, एक भी नंबर आपको गलत नहीं कटेगा बनाने पर। तो आप 90 में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और 90 में 90 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 60, 65, 70 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो आपका अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता है। तो आप अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे होंगे, डर गए होंगे कि लॉकडाउन है, कोचिंग क्लासेस बंद है, हम कहाँ जाएँ पढ़ने के लिए, तो मैं आपको ये YouTube के माध्यम से मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटेक्निक में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री से ऑक्सीकरण है, अवकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, फिजिक्स में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन है, जो है लीनियर मोशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलजेब्रा है, कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने आपको बना करके यूट्यूब पे डाला है। आप हमारे मुकुल सर लेक्चर को सर्च करें और आप उस पर जाकर पढ़ें। और अभी भी 1 महीने के समय में पूर्ण विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप पॉलिटेक्निक क्रैक कर लेंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को मनाते हैं। तो थैंक यू सो मच।